तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को टोटल दो ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्टेड हो तो फटाफट इसे बेच के निकल जाओ। देखिए ये मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि क्यों इन स्टॉक में हमें अब निकलना चाहिए। अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो, पर मेरा एक ऐसा पर्सनल व्यू है कि अगर आप इन स्टॉक को बेच के निकल जाओगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, वरना इसके बाद जब इसमें गिरावट आएगी तो बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ लेना। तो फ्रेंड्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हो हम आ गए अपने स्क्रीन पर, और हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। देखो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को पिछले कुछ दिनों में, एक नया हाई भी बना दिया है, और अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की तो बहुत ही अच्छा बम्पर रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को ये। पर अब इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर मैं पर्सनल ओपिनियन ऐसा दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। देखो अगर आप डेली चार्ट पर इसे टेक्निकली एनालिसिस देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि रोज़ के रोज़ यहाँ पर नया हाई बनते जा रहा है, साथ ही साथ जो हमें वॉल्यूम भी देखने मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने मिल रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ आज की तो आज के दिन ऑलमोस्ट 2% के ऊपर ये कैंडल बंद होते हुए हमें दिखाई दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है SBI लाइफ इंश्योरेंस के लिए। पर जब हम इसे वीकली चार्ट पर लेके जाते हैं तो वीकली चार्ट पर क्या होता है, देखो वीकली चार्ट पर जब मैं इसे लेके आया तो वीकली चार्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि अपने इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेक किया था काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, जिसके बाद कैंडल जो है वो तो बड़े बड़े बनते गए, मतलब प्राइस जो है वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते गए, पर जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यू नीचे की तरफ आते गए, जिसके वजह से मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि एक बार यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है, और अपने इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास SBI लाइफ इंश्योरेंस हमें देखने मिल सकता है आने वाले 1 से 1.5 हफ्तों के अंदर ही अंदर। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। देखो हीरो मोटोकॉर्प ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को पिछले कुछ दिनों में अगर आप यहाँ से देखते हो तो, जिसके बाद अब क्या हो गया है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये हीरो मोटोकॉर्प का, जिसको हीरो मोटोकॉर्प ने ऑलमोस्ट इसके पहले भी ट्राई किया था ब्रेक करने का, ब्रेक भी कर लिया था पर वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके बाद वहाँ से गिरावट हुई और अपने इस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पर आके सपोर्ट ले लिया। देखो मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूविंग एवरेज अगर आपने समझ लिया तो आपने समझो सब कुछ समझ लिया, ये मैं अभी डेली चार्ट पर आपको समझा रहा हूँ। देखो मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद वापस से इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ ये स्टॉक जो है वो निकल पड़ा, पर वापस से मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास से हमें यहाँ पर गिरावट देखने मिलेगी, और इस बार जो गिरावट होगी वो हो सकता है अपने इस मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंसर्न है मेरा। यहाँ पर भी आप देखोगे वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू गिरते जा रहा है और प्राइस जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, जिसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम नहीं पड़ रही है, जिसके वजह से मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ ताकि आपको भी ये चीज़ मालूम पड़ जाए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बोनस स्टॉक भी है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो मैं बात कर रहा हूँ IRCTC की। आप सबको पता है IRCTC का क्या बिजनेस है और IRCTC की कितनी बड़ी मोनोपोली अपने बिजनेस में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कंटिन्यू हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल गया, जिसके बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर सपोर्ट भी ले लिया और इस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट आज के दिन हमें कैंडल जो है वो बंद होते हुए दिखाई दे चुकी है। अब कल बस यही वेट करना है कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हो और कल के दिन अपने मूविंग एवरेज के ऊपर वो सस्टेन कर जाए, जिसके बाद यहाँ पर आप आँख बंद करके खरीद सकते हो और 1051 का टारगेट रख के चल सकते हो।